दुनिया भर में घूम कर भी हमारा मन हमेशा जहाँ लगा रहता है वो है हमारा घर, हमारा प्यारा सा आशियाना। हाँ, किसी का छोटा सा घर है तो किसी का भव्य महल है, कोई झोपड़ी में बसता है तो कोई आलीशान बंगलों में, कोई महलों में रहता है तो कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में। हम सब विश्व की अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में, अलग अलग घरों में रहते हैं, पर एक व्यक्ति थे जो किसी देश, किसी जगह या किसी घर में नहीं परंतु विश्व के हृदय में रहे और आज भी रहते हैं। पूरा विश्व मना रहा है प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव। समय ना बंधनो थी बंधायला नो था। I remember being deeply touched by his sincerity, his warmth and humility. The great teacher, what he taught me, remove I and me. એમની રૂમ માં જઈએ એટલે તમારો થાક ઉતરી જાય એ હોરા હતો એમનો. એક આપ્ત પુરુષ, એક પૂર્ણ યોગી. I shall never ever forget that gaze. યદિ આપને પ્રમુખ સ્વામીજી મહારાજ કા આજ ભી સ્મરણ કિયા તો શાશ્વત આદિત્ય હૈ ઓર ઉનકી કિરણે આપકે ઉપર નિશ્ચિત રૂપ સે અપના પ્રભાવ. Swami, just one simple life and he has changed the whole world. Yugo na yugo viti jase, hajaro varsh viti jase, par Pramukh Swami Maharaj ne aa sansar bhuli sakse na. Pura purushaya namaha, shatabdiyo mein. समाज का पुनः निर्माण कर उसे पूर्ण किया। 26 जनवरी 2001 गुजरात का भुज शहर। आप भी लीजिए। अरे आप
अभी भी तो भूकंप से भूज बर्बाद हुआ है और आप लोग ऐसा गर्मा गर्म भोजन। प्रमुख स्वामी ने भेजा है सबके लिए, और हाँ आगे भी भोजन की चिंता मत करना, उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। हाँ अरे प्रमुख स्वामी ने बूंदी और गाठिया के साथ मिर्च भी भेजी। भैया याद है माँ भी हमें बूंदी और गाठिया के साथ ऐसे ही मिर्च दिया करती थी और कहती थी कि मीठे और नमकीन के साथ कुछ तीखा होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सच में प्रमुख स्वामी जी एक माँ की तरह हम सबका ख्याल रखते हैं। अनाज, कपड़े, दवाइयाँ, जूते, चश्मे और साथ में ये नेल कटर, तेल और कंघी भी, क्या क्या नहीं भेजा प्रमुख स्वामी जी ने। हाँ उन्होंने तो जैसे बिना घर के ही हम सबके घर बसा दिए। हाँ बस अब हमारे टूटे हुए मकान फिर से बन जाए। बन जाएंगे बाबू भाई, कई विपत्तियों में प्रमुख स्वामी जी समाज की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, देखना वो हमारे लिए भी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। सोचा भी नहीं था ऐसे घर और गांव बनाकर दे दिए हमें प्रमुख स्वामी जी ने। हाँ, एक सच्चे संत हमारे स्वजन बनकर उभरे और हमारी टूटी बिखरी दुनिया को उन्होंने पूर्ण कर दिया। ભેગા બેહો તો તમને એકબીજાની આત્મીયતા વધે,
ભેગા ભોજન કરવા તો તમારી આત્મીયતા વધે. મન મળવાનું કારણ શું છે? ભેગા બેસીએ તો આપણે એકબીજાના વિચારોની આપ લે કરીએ, એકબીજાને સમજવા પ્રયત્ન કરીએ, તો ઝઘડા ઓછા થઈએ, આપણા કુટુંબની અંદર એકતા વધે. આ બહુ અગત્યની વસ્તુ છે, એના ઉપર વાર આપવાનો. એટલે આપણે ઘર સભાની વાત કરી કે ઘરમાં બેસીને ભેગા બેસીને કંઈ રામાયણની વાત કરે, મહાભારતની વાત કરે, સત્સંગની વાત કરે, તો એ કુટુંબ સંપન્ન, સુખી સંપન્ન હોય, શાંતિવાળું હોય અને બધું હોય. ઘર સભા કા ઉપહાર દેકર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ને હમારે પરિવાર મેં માનો જાદુ કર દિયા. હા, અબ તો પરિવાર મેં બસ ખુશિયા હી ખુશિયા હૈ. સુનિયે, આપ નિશ્ચિંત હોકર કારોબાર સંભાલીએ, પિતાજી કી સેવા મેં કર લુંગી ઓર ઘર કા સારા કામ ભી સંભાલ લુંગી. ઓર બહુ, મેં ભી તો હું તુમ્હારે સાથ. ભૈયા, આપ બટવારે કી ચિંતા મત કરના, પિતાજી જો ભી તય કરે વો મુજે મંજૂર હૈ. મુજે ભી, કે રિશ્તોં કી કીમત દૌલત સે જ્યાદા હોતી હૈ. दादाजी, मुझे पापा पर बोझ नहीं बनना, साइकिल तो है ही, मैं उसी से काम चला लूंगा. देखा, इस घर सभा ने तो बच्चों के संस्कार ही बदल दिए. हाँ, एक छोटी सी घर सभा ने हमारे परिवार की बड़ी बड़ी समस्या को सुलझा दिया. प्रमुख स्वामी महाराज सच कहते हैं, घर के सारे दुखों की एक ही दवा है घर सभा. उनके इस एक उपहार ने हमारे परिवार को आनंद से पूर्ण कर दिया. खुशियों के बीच भी कभी हम अकेले हो गए, उदास हो गए या रास्ता भटक गए, तब प्रमुख स्वामी महाराज ने हमें ढूंढ निकाला और हमें सही रास्ता दिखाया. अरे, सब मुझे छोड़कर कहां जा रहे हैं? मैं तो अकेला हो जाऊंगा. सब ने मुझे छोड़ दिया, क्या करूं? कोई मुझे समझता ही नहीं है. क्योंकि तो खुद ही ना समझ है, इसलिए कोई तुझे नहीं चाहता. अकेला. पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. क्योंकि तेरा नसीब ही खराब है. तू असफल था, है और हमेशा रहेगा. लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा. सही लगता है तुझे, तू है ही निकम्मा और किसी को तेरी जरूरत भी नहीं है. तेरा कुछ नहीं हो सकता. सच में मैं निकम्मा ही हूं और कोई नहीं जो मुझे समझ सके. कहां जाऊं, क्या करूं, कोई रास्ता दिखाओ मुझे. हम है ना, आजा हमारे पास और भुला दे सारे गम. बच्चों,
ने लाखों लोगों के दुख धुएं में उड़ा दिए हैं, तेरे दुख भी उड़ा देंगे। आजा मुझे पीले और मस्ती से जीले। मन का सब बोझ उतर गया, अब कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, मजा आ गया, अद्भुत। अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो फंसता ही जा रहा हूँ, बर्बाद हो रहा हूँ। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, भूल रहा हूँ। हमने कहा तुमको पकड़ रखा है, पकड़ा दो तुमने हमें। बेटा, हाँ बेटा, ये नशा तुम्हारे शरीर को खत्म कर रहा है, अपने आप को देखो, जवानी में भी तुम मुझसे ज्यादा कमजोर दिख रहे हो। और हमारे घर के हालात भी ठीक नहीं है पापा, आपके नशे के चक्कर में हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ पापा, और यदि आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? प्लीज पापा, छोड़ दो ये नशा, एटलीस्ट हमारे लिए, प्लीज। पल दो पल की खुशियों के लिए क्यों पूरे परिवार के साथ खेल रहे हो? निकल जाओ नशे की इस झूठी दुनिया से। नहीं निकल पा रहा, क्या करूं, लाचार हूं मैं। यदि आप चाहो तो जरूर निकल सकते हो। अभी भी देर नहीं हुई है। पर कैसे, इन व्यसनों से तो मेरे जैसे लाखों बर्बाद हो गए हैं। लाखों बर्बाद हुए हैं तो लाखों बच भी गए हैं। जो बर्बाद हुए हैं उनकी ओर नहीं, जो बच गए हैं उनकी ओर देखो। आप लोग कौन हैं? हम प्रमुख सम्राज की आवाज है। उनकी प्रेरणा से 40 लाख से अधिक लोग दुर्व्यसनों से मुक्त हुए और आप भी हो जाओगे। लेकिन मुझे तो चारों ओर अंधेरा ही नजर आ रहा है। अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक दीपक उसे दूर करने के लिए पर्याप्त है। अपनी शक्ति से नहीं, भगवान को याद करके उनकी शक्ति से प्रयत्न करो, जरूर निकल पाओगे। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज भी यही कहते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज हमेशा कहते थे कि भगवान की शक्ति से सब कुछ हो सकता है। लाखों लोगों के अधूरे जीवन को उन्होंने भगवत श्रद्धा से पूर्ण किया है। छोटे छोटे बच्चों में भी श्रद्धा और भक्ति के संस्कार देकर बचपन के साथ उन्होंने हमारे भविष्य को भी सुरक्षित कर दिया है। अब सबको चिंता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, पर चिंता मत करना, प्रमुख सम्राट ने हमें जो संस्कार दिए हैं उससे हम उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। हाँ, भविष्य में ऊंची ऊंची इमारतें होंगी, किंतु पर्यावरण की कीमत पर नहीं। हमारे अल्ट्रा मॉडर्न शहरों को भी हम वृक्ष से सजाएंगे। भविष्य में हम आकाश में उड़ेंगे, स्मार्ट घरों में रहेंगे, किंतु ये आधुनिकता हमारे परिवार की एकता को तोड़ नहीं पाएगी। स्मार्ट घरों में भी हम घर सभा तो अवश्य करेंगे। भविष्य में टेक्नोलॉजी का बहुत विकास होगा, लेकिन हम मानव को मशीन नहीं बनने देंगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने दिए हुए संस्कार से हम मानवता को हमेशा जीवंत रखेंगे। हम नशा नफरत से दूर रहेंगे और उस समय प्रेम और करुणा बढ़ाएंगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने हमारे दिलों में श्रद्धा और भक्ति के जो दीप जलाए हैं उन्हें हम कभी नहीं बुझने देंगे। हाँ, वो श्रद्धा ही तो है जो हमारे अधूरे जीवन को पूर्ण करती है। भगवान में श्रद्धा, सच्चे संत में श्रद्धा, जीवन में श्रद्धा। इस श्रद्धा के साथ हम ऐसे भविष्य का निर्माण करेंगे जिससे हमारे देश का गौरव बढ़ेगा, समग्र मानवता का गौरव बढ़ेगा और पूरा विश्व सुख
एक पूर्ण पुरुष जो